गाइस, आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ घर पर रखी चीज़ों का कैसे आप इस्तेमाल करके कोरियन स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी स्किन को बेदाग, स्पॉटलेस, ग्लोइंग और बेबी सॉफ्ट बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन है तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रही है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आई डोंट नो कि आप लोग उठे भी होंगे या नहीं, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी इसका रिजल्ट देखकर। तो मैंने फट से स्किन केयर किया है अभी और उसका ग्लो आप मेरे चेहरे और मेरे शरीर पर देख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने फेस में नहीं, अपने बॉडी पर भी अप्लाई कर लिया एक्साइटेड होकर। तो मुझे लगा कि फट से आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना चाहिए। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपको वो बेहतरीन वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को कंप्लीट देखें, फॉलो करें, उसके बेनिफिट जानें कि आपको किस चीज को अप्लाई करने से क्या आपकी स्किन में बेनिफिट आएगा। और ये कोई टू डेज चैलेंज नहीं है, वन मंथ चैलेंज नहीं है, इंस्टेंट रिजल्ट है। जैसे आपने स्किन केयर किया, इंस्टेंट आपकी आंखों के सामने बहुत ज्यादा ग्लोइंग इफेक्ट होगा। तो प्लीज इसको रेगुलर कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज कंटिन्यू रखते हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत लंबे समय तक हमारी स्किन पर रहता है। ये कोरियन स्किन केयर रूटीन आपके पैसे बचाएगा। अगर आप सलून में बहुत महंगे फेशियल्स करवाते हैं या बहुत महंगी क्रीम्स यूज करते हैं तो भी आपके पैसे बचेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि जब स्किन केयर की बात की जाती है तो कोरियन गर्ल्स को सबसे पहले ऊपर रखा जाता है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत टाइट होती है, फर्म होती है, उनकी स्किन में इलास्टिसिटी होती है, जल्दी झुर्रियां नहीं आती हैं और साथ में ग्लोइंग और स्पॉटलेस होती है। तो यार क्यों देरी करना, फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर, लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए, कोरियन स्किन के रूटीन का सबसे पहला स्टेप है ऑयल क्लींजिंग, जिसके लिए सबसे पहले आपको प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का एक चम्मच लेना है और उसमें मिक्स करना है एक चम्मच पानी। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर हमारा रेडी है ऑयल क्लींजर। अब इस क्लींजर से मैं अपने पूरे फेस पर सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कर लूंगी और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही मसाज करती रहूंगी। 2 मिनट बाद एक टॉवल को गर्म पानी में डिप करके मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। इसके बाद बारी आती है हमारे सेकेंड स्टेप की, जो है स्क्रबिंग। इसके लिए सबसे पहले मैं चावल को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी और इसको पाउडर बना लूंगी। फिर उसके बाद एक बाउल में एक चम्मच राइस पाउडर डालूंगी और उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करूंगी और 1/2 लेमन जूस ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारा रेडी है कोरियन स्किन केयर स्क्रब। अब इसी स्क्रब से मैं जेंटली अपने फेस और नेक पर स्क्रब कर लूंगी। गाइस, कोरियन गर्ल्स हमेशा स्किन केयर में राइस को ऐड करती हैं, क्योंकि राइस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है जो हमारी स्किन को लाइट और ब्राइटन कर देती है। स्किन से सारे पिगमेंटेशन हटाकर हमारी स्किन को स्पॉटलेस, ग्लोइंग और यंग लुकिंग बनाती है। तो बस 1 से 2 मिनट स्क्रब करें और फिर उसके बाद पानी से अपना फेस धो लें। हो सके तो बिल्कुल ठंडे पानी का इस्तेमाल करिएगा फेस वॉश करने के लिए। अब बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप है हमारा कोरियन राइस फेशियल मसाज, जिसके लिए मैं एक बाउल में 1 चम्मच राइस पाउडर ऐड करूंगी। उसके बाद इसमें 1 चम्मच रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध ऐड करूंगी। फिर इसमें 2 चम्मच हनी ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो लीजिए, हमारा कोरियन राइस फेशियल मसाज रेडी है। तो फ्रेंड्स, इस मसाज क्रीम से आपको अपने फेस पर 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है। मेरे इस बताए हुए तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप फेस पर मसाज करें तो आपकी स्किन से सारे रिंकल, फाइन लाइन, स्पॉट्स, पिगमेंटेशन सब दूर हो जाएगा। आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग और यंग लुकिंग बनेगी और आपकी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाएगी और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी, जिससे आपकी स्किन पर समय से पहले झुर्रियां नहीं आएंगी। क्योंकि राइस में होता है विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए कोरियन लोगों की स्किन इतनी ग्लोइंग और यंग लुकिंग होती है और साथ में इतनी शाइन करती है। तो बस 10 से 15 मिनट मसाज करने के बाद आप नॉर्मल ठंडे पानी से अपना फेस धो लें। अब बारी आती है हमारे लास्ट स्टेप की, तो यहाँ पर हम रेडी करेंगे कोरियन स्किन ब्राइटनिंग मास्क। इसके लिए सबसे पहले आपको 2 चम्मच राइस वाटर, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन को अच्छे से मिक्स करना है और एक कॉटन से अपने फेस पर इस पैक को अप्लाई करना है। आप पूरे अच्छे से फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लीजिए और 15 मिनट बाद अपना फेस ठंडे पानी से धो लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और यूथफुल नजर आ रही है। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करें और इससे आने वाला रिजल्ट आपकी स्किन पर मुझसे जरूर शेयर करें। मैं आपके लिए हमेशा इसी तरीके का कुछ बेहतर लाती रहूंगी, आपकी स्किन और आपकी हेल्थ को और अच्छा बनाती रहूंगी। आप लोग मुझे और वीडियोस के लिए @ishamehra मेरा इंस्टा पे अकाउंट है, फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं उनका आंसर दूंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।